राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निशा जी के किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े। तो बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखिए, हमने प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि प्याज जो है अपना पानी छोड़ दे, ताकि हमें बाद में इसमें पानी ऐड ना करना पड़े। देखिए, अच्छे से नमक को मिला लेंगे प्याज के साथ। देखिए इस तरह से प्याज मैंने काटा है। देखिए इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो देखिए अब डालेंगे थोड़ी सी हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है, तो इसलिए स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया और जीरा। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करेंगे इसमें और इसे मिलाते जाएंगे। बेसन आप एकदम से पूरा मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और मिलाते जाइए। देखिए देखिए, हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि प्याज ने जो पानी छोड़ा था वही काफ़ी है इसके लिए। देखिए अच्छे से अपना बैटर जो तैयार कर लेंगे। तो देखिए डालते जाएंगे तेल में। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बनाना है दोस्तों, ना तो ज़्यादा फ्लेम हो और ना ही कम होनी चाहिए। तो देखिए बनाते जाएंगे इस तरह से। और इन्हें अलट पलट करते हुए अच्छे क्रिस्पी कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, 2 से 3 हरी मिर्ची को हमने काट लिया है बारीक बारीक, वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारे बिना मिर्ची वाले पकोड़े जो हैं वो अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अच्छे से कलर आने तक इन्हें पका लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए अब डालेंगे मिर्ची वाले पकोड़े, तेल में डालते जाएंगे। पकौड़ों को दोस्तों आप इसी तरह से रफली हाथ से तोड़कर डालते जाइए, क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं बनानी होती हमें, तभी ये अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए हमारे मिर्ची वाले पकौड़े भी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। तो निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में। इसी तरह से सारे पकौड़े निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी पकोड़े बने हैं दोस्तों। तो देखिए बनकर तैयार हैं पकोड़े, और हमने हरी मिर्ची को भी फ्राई करके लिया है, इससे गार्निश किया है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।